साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होंगे। करंट अफेयर का ये मॉर्निंग सेशन है और आज हम लोग बात करेंगे 12 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की। ज्यादा घटनाक्रम नहीं है लेकिन जो भी है मैंने इसको यहाँ संग्रह कर दिया है, इसको देखें, याद रखें। एक चीज ध्यान रखना है कि कल सैटरडे स्पेशल में करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर हुआ था और 10 में 10 बहुत सारे लोगों ने लाया और उसके बाद हम लोगों ने एससीओ के बारे में विस्तार से जानने का कार्य किया। तो ध्यान रखना है कि इसी तौर पर आप तैयारी करते रहें, आपकी तैयारी एकदम टॉप लेवल की होगी और आप एग्जाम में सभी सवाल करंट अफेयर का बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 12 सितंबर संबंधित घटनाक्रमों को। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम है वह स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी हुआ। तो केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत हर साल रैंकिंग जारी करता है और रैंकिंग में अलग अलग राज्यों में उद्योगों की स्थिति पर एक रैंकिंग जारी करके यह दर्शाया जाता है कि किस राज्य के द्वारा उद्योग के क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जो जारी हुआ उसमें गुजरात पहले स्थान पर है। पिछले बार भी इस रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर था, इस बार भी पहले स्थान पर है। ये ध्यान रखना है कि इस स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जो जारी है उसमें 7 कैटेगरी है और 7 कैटेगरी में गुजरात ओवरऑल नंबर 1 है, लेकिन यहां पर बिहार ने एक अद्भुत काम किया है और बिहार 2 कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर है। पहला नवाचार तथा लीडर कैटेगरी में। नवाचार मतलब होता है इनोवेटिव आइडिया, युवाओं के पास नए नए औद्योगिक विचार होते हैं, कुछ योजनाएं होती है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे इनोवेटिव आइडिया के मामले में बिहार नंबर 1 है और लीडर कैटेगरी में भी बिहार पहले स्थान पर है। ध्यान रखना है कि 2016 में ही बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए का योजना या लोन या ऋण उपलब्ध कराने की योजना पहला करने वाला ये देश का पहला राज्य था स्टार्टअप के लिए, नए लोगों को आगे ला करके उद्योगों में विकसित करने का। बिहार सरकार अभी वर्तमान में नए इनोवेटिव आइडिया के लिए अब उद्योगपतियों को जमीन भी मुहैया कराने पर योजनाओं पर काम कर रही है। तो ध्यान रखना है बिहार कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ अब उद्योगों के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में बिहार एक औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार और यहाँ के लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक और न्यूज है भारत से संबंधित और भारत और चीन के बीच जो पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी है। काफी लंबे समय से सेनाओं, चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच संघर्ष जो चल रहा है उसको कम करने के लिए 5 बिंदुओं पर रजामंदी जताई गई। ये ध्यान रखना है, मतलब 5 सूत्र बनाए गए कि कैसे हम दोनों देशों के बीच के तनाव को कम कर सकते हैं। जो हमने कल चर्चा किया था एससीओ के बारे में, इसी एससीओ के विदेश मंत्रियों के मीटिंग के दौरान जो मीटिंग हुआ, सभा हुआ, उसमें पहली बार भारत के तथा चीन के दोनों के विदेश मंत्रियों ने एक साथ मिल करके अपने अपने बयान को साझा किया। तो एक साथ मंच पर आकर इस फॉर्मूले पर सहमति जताना, एक उम्मीद जताया जा रहा है कि अब गतिरोध शांत हो जाएगा और सीमा पर शांति हो जाएगी। लेकिन चीन के किसी भी बात पर और किसी भी वादे पर भरोसा करना भारत के लिए उचित नहीं होगा और इसलिए भारत पूरी नजर रखे हुए इस मुद्दे पर कि किस स्थिति में क्या हम लोगों को एक्शन लेना है, इसलिए ये ध्यान देना। आगे चलें तो बिहार से एक न्यूज है कि नरेंद्र कुमार सिन्हा को बिहार का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त का अपॉइंटमेंट नियुक्ति हुआ है, यह ध्यान रखना है। नाम नरेंद्र कुमार सिन्हा जो पहले आईएएस अधिकारी हुआ करते थे और इन्हीं को बिहार सरकार ने नया मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है बिहार का। तो बिहार से न्यूज है। आगे चलें तो भारत सरकार के एक योजना है संकल्प योजना और संकल्प योजना के तहत कौशल विकास का काम होता है। युवाओं में स्किल डेवलपमेंट, युवा पढ़े नहीं डिग्री लेकर घूमे नहीं, उसमें एक क्षमता होनी चाहिए, कोई हुनर होना चाहिए काम करने का और इसी के चलते कौशल विकास केंद्र विकसित करने के लिए इस योजना के तहत बिहार के 5 जिलों का चयन किया गया। तो 5 जिलों का जो चयन हुआ है उसको ध्यान रखना है। पहला है नवादा, गया, सीतामढ़ी, लखीसराय और पूर्णिया। ये 5 जिले हैं
भारत सरकार ने संकल्प योजना के तहत कौशल विकास केंद्रों के विकास के लिए बिहार के 5 जिलों का चयन किया। 5 जिले कौन कौन है, तो नवादा, गया, सीतामढ़ी, लखीसराय और पूर्णिया, ये 5 जिलों में कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा ताकि यहाँ के युवाओं को कौशल के मामले में विकसित किया जाए, स्किल्ड किया जाए। नेक्स्ट है इकोनॉमी से संबंधित एक न्यूज है, रेटिंग एजेंसी मूडीज का अक्सर अर्थव्यवस्था के मामले में आकलन आता रहता है, तो मूडीज ने 2021 के दौरान, मतलब वित्तीय वर्ष जो 2020-21 है उसमें अर्थव्यवस्था में 11.5% की गिरावट का अनुमान जारी किया गया कल। तो कल जो जारी हुआ रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 2021 में अर्थव्यवस्था कितना, 11.5% गिरावट आएगी, ये अनुमान है इस साल। लेकिन ध्यान रखना इसी मूडीज ने पहले 4% गिरावट का अनुमान लगाया था। तो समय जैसे जैसे बीत रहा है इकोनॉमिक जो स्थिति उस हिसाब से मूडीज ने अपना आकलन को चेंज किया। पहले 4% के बारे में बोला था कि गिरेगा, अब कह रहा है मूडीज की 11.5% नीचे जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मूडीज ने ही कहा कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.8% का ग्रोथ हो सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है कि अगले साल आते आते वित्तीय वर्ष जो अगला होगा उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सकती है और स्थिति अच्छी हो सकती है, ये ध्यान रखना। एक दुखद समाचार है कि बंधुआ मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। तो ILBS में इनकी तबीयत खराब थी, लीवर के बीमारी से संक्रमण से परेशान थे और उसी में हॉस्पिटल में ही इनकी मृत्यु होगी। तो स्वामी अग्निवेश काफी चर्चा में थे अन्ना हजारे के आंदोलन के समय और खास करके बंधुआ मजदूरों की लड़ाई लड़ी कि बंधुआ मजदूरों को इस काम से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए इन्होंने बड़ा आंदोलन छेड़ा। एक स्वामी के तौर पर, एक योगी के तौर पर इन्होंने काम किया जीवन में और लास्ट में राजनीति में भी प्रवेश किया और हरियाणा में शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। तो स्वामी अग्निवेश को याद रखना है, ये आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। आगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज है सार्क से संबंधित। तो सार्क दक्षिण एशियाओं का एक समूह है देशों का, इसकी मंत्रिपरिषद की बैठक 24 सितंबर को होने वाली है, वर्चुअल मीटिंग होगा, क्योंकि होता है वर्चुअल ही हो रहा है कोरोना काल में, और इसमें भारत शामिल होने पर अपनी सहमति जताया है कि हम भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो क्या होगा मीटिंग में, क्या कहा जाएगा, इसकी बात हम लोग आगे की क्लास में करेंगे जब ये बैठक होगी तब। लेकिन ध्यान रखना कि सार्क मंत्रिपरिषद की बैठक 24 सितंबर को होगा और भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा, भारत सरकार ने इसमें रजामंदी दे दिया है। तो इसी के साथ यही आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, इसको एक बार देखें और याद रखें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें और देश की एकता अखंडता के लिए बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।